एक्सरसाइज 1.4, ओके। हाँ क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री। पी एंड क्यू आर ट्रू, आर एंड एस आर फॉल्स। पी क्यू आर ट्रू स्टेटमेंट्स, आर एंड एस आर फॉल्स स्टेटमेंट्स। अपने को ओवरऑल वैल्यू फाइंड आउट करनी। We are supposed to find out the overall value. Question number one. P and Q and R. Okay. P true है, Q भी true है, R false है. P true है, Q true है, R false है. दिया है problem में. It is given at the beginning itself. Am I correct? क्या मैं सही हूँ? ओके, बट ट्रू एंड फॉल्स ब्रैकेट को देखो, ट्रू एंड फॉल्स, एंड का ट्रूथ टेबल याद करो, एंड का ट्रूथ टेबल में अगर दोनों ट्रू रहेगा तो ही फाइनल आंसर ट्रू रहता है, अगर दोनों ट्रू है तो ही फाइनल आंसर ट्रू। तो इसका आंसर क्या है ब्लू पार्ट का? क्या दोनों ट्रू है? नहीं है, फाइनल आंसर इज फॉल्स। ओके, सेम लॉजिक अप्लाइज ओवर हियर, बीच में एंड है, दोनों ट्रू तो ही फाइनल आंसर ट्रू। अभी दोनों ट्रू तो है नहीं, फाइनल आंसर इज फॉल्स। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन। सेकेंड, P implication Q or R and S. P implication Q or R and S. P और Q दोनों true है, बराबर है, दिया है problem, it is given right in the beginning, they have mentioned P and Q both are true. Or R and S both are false. R भी false है, S भी false है और बीच में and है. ट्रू इम्प्लीकेशन ट्रू, ट्रूथ टेबल अगर आपको पता है तो, ट्रूथ टेबल में इम्प्लीकेशन का ट्रूथ टेबल में टी एफ इज ओनली एफ, ज्यादा है क्या? ओनली टी एफ इज एफ, तो इसका आंसर क्या रहेगा? ग्रीन पार्ट का आंसर क्या रहेगा? दिस इज ट्रू। और एफ एंड एफ, एंड का ट्रूथ टेबल में दोनों ट्रू रहेगा तो भी आंसर ट्रू रहता है, यहाँ पे तो दोनों फॉल्स है, फाइनल आंसर इज फॉल्स। अभी और है, और का ट्रूथ टेबल में अगर दोनों फॉल्स तो ही फाइनल आंसर फॉल्स, और का ट्रूथ टेबल में दोनों फॉल्स तो ही फाइनल आंसर फॉल्स, यहाँ पे तो दोनों फॉल्स है नहीं, सो द फाइनल आंसर इज ट्रू, फाइनल आंसर इज ट्रू। ये सब में किधर भी ट्रूथ टेबल ऐसा बोला नहीं है, मैंने अभी तक सिखाया भी नहीं है ट्रूथ टेबल, देन व्हाई डू यू थिंक अबाउट ट्रूथ टेबल? कॉपी करके हो गया तो बोल देना। ओके, नेक्स्ट वन, थर्ड, निगेशन, निगेशन पी और एस, निगेशन पी और एस एंड
निगेशन क्यू एंड आर. ओके आई पुट द रेस्पेक्टिव वैल्यूज निगेशन ऑफ ट्रू एंड फॉल्स. क्योंकि देखो पी एंड आर पी ये ट्रू है, एस फॉल्स है, तो मैं रेस्पेक्टिव वैल्यूज पुट कर रहा हूँ. मैं करेक्ट, क्या मैं सही हूँ? स्टार्टिंग में ही दिया कि P एंड Q को ट्रू ले लेने का, P भी ट्रू लो Q भी ट्रू लो. निगेशन ट्रू एंड फॉल्स बराबर है. बराबर है क्या? निगेशन ऑफ ट्रू इज फॉल्स, निगेशन ऑफ ट्रू इज फॉल्स. फॉल्स और फॉल्स, आंसर इज फॉल्स. दोनों फॉल्स रहेगा और के टेबल में तो फॉल्स रहता है, दोनों फॉल्स तो भी फॉल्स. अभी ये एंड का टेबल है, एंड का टेबल में दोनों ट्रू तो ही ट्रू, यहाँ पे तो दोनों फॉल्स है, सो फाइनल आंसर इज फॉल्स. समझ में आ रहा है क्या तुम लोग को ये? आई डोंट थिंक सो, दिस इज वेरी डिफिकल्ट. ओके निगेशन, निगेशन फॉल्स एंड फॉल्स, एंड का टेबल में दोनों ट्रू तो ही ट्रू, अदरवाइज इट इज फॉल्स. यहाँ पे तो दोनों ट्रू है ही नहीं, तो इट इज फॉल्स. एंड निगेशन ऑफ फॉल्स इज ट्रू, निगेशन ऑफ फॉल्स इज ट्रू. कॉपी करो अच्छे से जल्दी. Should I proceed? इसको फर्स्ट स्लाइड देखने का जल्दी जल्दी देखो. चलो those who are asking for the first slide जल्दी देखो. आगे बढ़ो. The values. We'll handle this first. This is true. The green part is true. Okay. True implication. True is true. True implication. False. Hamesha false rehta hai. Sirf true implication. False. False rehta hai. ओके तो ट्रू, ट्रू इम्प्लीकेशन ट्रू तो ट्रू ही रहेगा. डबल इम्प्लीकेशन निगेशन ये क्या रहेगा? येलो कलर का पार्ट क्या रहेगा? ट्रू और ट्रू, इट विल बी ट्रू.
और का टेबल में दोनों फॉल्स तो ही फॉल्स, ओके ये तो दोनों ट्रू है तो ट्रू ही रहेगा। निगेशन टी, इज एफ एंड टी डबल इम्प्लीकेशन एफ इज एफ, टी डबल इम्प्लीकेशन एफ इज एफ। ट्रूथ टेबल मैंने दिया भी था क्लास में, आप लोग को मैंने फॉरवर्ड भी किया था पीडीएफ में, राइट? बोलो। आगे बढ़ते हैं। I think we are done with the fourth problem. We'll proceed with the fifth problem now. P or S implication R or negation. निगेशन पी इम्प्लीकेशन क्यू और एस, पुट द रेस्पेक्टिव वैल्यूज अलोंग विथ ऑल द ब्रैकेट्स, कोई ब्रैकेट मिस मत करना। पहले ग्रीन कलर के पार्ट को हैंडल करेंगे हम लोग। बोलो ये क्या रहेगा, ट्रू और फॉल्स? और का टेबल में दोनों ट्रू दोनों फॉल्स तो ही फॉल्स रहते हैं, यहाँ पे तो एक ट्रू है, फाइनल आंसर इज ट्रू। दोनों ट्रू, फाइनल आंसर इज ट्रू और फॉल्स? ट्रू इम्प्लीकेशन फॉल्स, फॉल्स और निगेशन, ये तो फॉल्स हो जाएगा ना, फॉल्स और फॉल्स बराबर लिख रहा हूँ क्या मैं? निगेशन ऑफ ट्रू इज फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स, आंसर इज फॉल्स। ओके और का टेबल में दोनों फॉल्स तो ही फॉल्स, यहाँ पे दोनों फॉल्स है तो आंसर इज ऑल्सो फॉल्स। बाहर का निगेशन सेम रखने का पहले, फिर निगेशन ऑफ फॉल्स इज ट्रू, तो फॉल्स और ट्रू। ओके और का टेबल में दोनों फॉल्स तो ही फाइनल आंसर फॉल्स, अदरवाइज इट इज ट्रू, अदरवाइज इट इज ट्रू। ओके सिक्स्थ वाला प्रॉब्लम घर पे कर लेना, और आपको डाइजेस्ट भी दिया है सो विल नॉट सॉल्व दैट सिक्स्थ वन, गो टू मिसलिनियस एक्सरसाइज, मिसलिनियस एक्सरसाइज। ओके मिसलिनियस एक्सरसाइज का
नंबर फोर सॉल्व द फॉलोइंग का, क्वेश्चन नंबर फोर इज सॉल्व द फॉलोइंग, उसका नाइन्थ प्रॉब्लम इसके ऊपर भेज दें जो मैंने अभी सिखाया आप लोग। लीनियर एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फोर, नाइन्थ इज फॉर सेल्फ स्टडी, यू कैन प्रैक्टिस इट एट होम, जो मैंने अभी आपको सिखाया उसके ऊपर भेज दें। इज दैट ओके? इज दैट ओके? फाइन, सो एक्सरसाइज 1.4 इज ओवर, एक्सरसाइज 1.4 इज ओवर, लेट्स गो टू एक्सरसाइज 1.5, लेट्स गो टू एक्सरसाइज 1.5, ओके? सुनने का भी बराबर, यस यू कैन आस्क डाउट इन द लास्ट, आफ्टर द लास्ट प्रॉब्लम टुडे, एंड में पूछ लो, डोंट वरी। या नाउ द नेक्स्ट नेक्स्ट थिंग इज क्वान्टिफायर्स, क्वान्टिफायर, ओके? फर्स्ट वन इज यूनिवर्सल क्वान्टिफायर, यूनिवर्सल क्वान्टिफायर। सेकेंड वन इज एग्जिस्टेंशियल क्वान्टिफायर, एग्जिस्टेंशियल क्वान्टिफायर, यूनिवर्सल क्वान्टिफायर, एग्जिस्टेंशियल क्वान्टिफायर। यूनिवर्सल इज दिस फॉर ऑल, इसको फॉर एवरी भी बोलते हैं, देखा था लास्ट लेक्चर में हम लोग ने इसको। And this is there exist. ओके, यहाँ पे एक नोट लिख के देता हूँ दोनों में, ये सिर्फ आप दिमाग में याद रखो, एक इधर लिखना नहीं है। वाइल राइटिंग दी आंसर्स अभी लिखो, अभी लिख, अभी लिख, लिखने का है आपको, लेकिन वाइल राइटिंग दी सॉल्यूशंस, ओके? सो वी विल राइट इट इन अ डिफरेंट वे, एक हिंट टाइप दे देता हूँ मैं आपको। ऑल ट्रू, देयरफॉर फाइनल आंसर ट्रू, ओके? यहाँ पे लिखेंगे इवन इफ वन ट्रू, देयरफॉर फाइनल आंसर ट्रू, ये लिख के रखो, इसका मीनिंग तुम लोग को बाद में पता चलेगा, नॉट नाउ। ऑल ट्रू देयरफॉर फाइनल आंसर ट्रू, इवन इफ वन ट्रू फाइनल आंसर इज ट्रू। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस व्हाट आई हैव रिटन? समझ में आ रहे सम वर्ड्स? यूनिवर्सल क्वांटिफायर, क्यू मतलब क्वांटिफायर, yes, anyone wants to ask anything? Okay, so if you have copied this, then we'll proceed now. When we'll solve problem, see or clear ho jayega. Is that okay? Tell me. Okay, fine. So, exercise 1.5, question number 2. Exercise 1.5, question number 2. लास्ट लाइन क्या है? इवन इफ वन ट्रू देयरफॉर फाइनल आंसर ट्रू, इवन इफ वन ट्रू फाइनल आंसर ट्रू।
ओके क्वेश्चन नंबर टू, डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। बी एक सेट है, बी के सेट के अंदर पांच ऑब्जेक्ट है, ओके सो द फर्स्ट वन, ओके फर्स्ट वन, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू बी, एक्स इज अ प्राइम नंबर, तो एक्स लिखता हूं मैं एक्स, ओके ये टेबल बनाते हैं हमने, टू थ्री फाइव सिक्स सेवन, मैंने यही वैल्यूज क्यों डाला, वाई एम पुटिंग ओनली दिस वैल्यूज, एक्स इज टू थ्री फाइव सिक्स सेवन, और कोई वैल्यूज क्यों नहीं डाल रहा, प्राइम नंबर नहीं रहे बाबा, बिकॉज एक्स इज बिलोंगिंग टू बी, एक्स बिलोंग्स टू बी, इसके लिए यही नंबर्स डाल रहा हूँ, ओके एक्स इज अ प्राइम नंबर, कंडीशन बीच में लिखता हूँ, ओके और यहाँ पे ट्रूथ वैल्यू लिखता हूँ, यहाँ पे ट्रूथ वैल्यू लिखता हूँ, ओके तो टू इज अ प्राइम नंबर, ट्रू है कि फॉल्स, ट्रू है कि फॉल्स, ट्रू है, टी लिखेंगे तो भी चलेगा, थ्री इज अ प्राइम नंबर, ट्रू है कि फॉल्स, चलो मैं एक टेबल कंप्लीट कर देता हूँ, आप भी टेबल कंप्लीट करो, फिर इसके आगे डिस्कशन कर लेंगे, ओके ये आपको समझा, ये वाला केस समझा क्या, मैंने लिखा सिक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज फॉल्स, ओके अब ये प्रॉब्लम फॉर ऑल का है कि देयर एग्जिस्ट का है, ये फॉर फॉर ऑल का है, उल्टा ए ना, स्टार्टिंग में ही मेंशन किया फॉर ऑल, स्टार्टिंग में ही मेंशन किया फॉर ऑल, ठीक है तो फॉर ऑल के लिए मैंने आपको हिंट क्या दिया है, ऑल ट्रू फाइनल आंसर ट्रू, बराबर है ऑल ट्रू फाइनल आंसर ट्रू, इधर सब ट्रू है क्या, ओके एक फॉल्स है ना, तो क्या ये मेरे हिंट के साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, इज इट कॉन्ट्राडिक्टिंग विथ माई हिंट, नो इट इज, हिंट में क्या बोला है, सब कुछ ट्रू रहना चाहिए, यहाँ पे किधर सब कुछ ट्रू है, फॉर ऑल का हिंट देखो ना यार, ऐसे क्या कर रहे हैं, ऑल ट्रू, ये थोड़ी ऑल ट्रू है, सब ट्रू थोड़ी ना, तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, ओके सो विल राइट गिवन स्टेटमेंट is false since all are not true, that's it, अगर सब true रहते थे तो final statement क्या रहता था, यहाँ पे क्या लिखते थे हम लोग, सब true रहता था इसमें, तो final answer क्या रहता था, true रहता था, समझ में आ रहे कि नहीं आ रहा है,
नेक्स्ट वन डेवोशिट टुडे एन एन बिलोंग्स टू बी, तो एन का वैल्यूज ये रहेगा 2, 3, 5, 6, 7. डू यू अग्री? टू थ्री फाइव सिक्स सेवन, डू यू अग्री? दिस आर द वैल्यूज ऑफ एन. प्रीवियस स्लाइड देखो या ना, ये देखो प्रीवियस स्लाइड. ओके अच्छा, ये एन का वैल्यूज बराबर है क्या? आर द वैल्यूज ऑफ एन राइट? एन बिलोंग्स टू बी ना, तो राइट है क्या? कंडीशन क्या, अभी कंडीशन डालते हैं बीच में. एन प्लस सिक्स ग्रेटर देन 12, सो 2 प्लस 6, एन के जगह पे 2 डाल दिया मैंने, ये 8 है. इज 8 ग्रेटर देन 12? 8 ग्रेटर देन 12 रहता है क्या? नो, इट इज फॉल्स. ओके देन एन के जगह पे 3 डालते, 9 ग्रेटर देन 12, फॉल्स. फॉल्स फॉल्स ओके अब ये प्रॉब्लम फॉर ऑल का है कि देयर एग्जिस्ट है? देयर एग्जिस्टेंट नहीं रहे बाबू, देयर एग्जिस्ट है. ओके इसका है ना, देयर एग्जिस्ट का प्रॉब्लम है. ओके एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर बोलते हैं या फिर देयर एग्जिस्ट बोलते हैं. या सो देयर एग्जिस्ट में मैंने तुम लोग को क्या हिंट बताया था? इवन इफ वन इज ट्रू, फाइनल आंसर इज ट्रू. बराबर है क्या? मैंने बोला कि ये प्रॉब्लम देयर एग्जिस्ट का है कि फॉर ऑल का है. सेकेंड प्रॉब्लम देयर एग्जिस्ट का है कि फॉर ऑल का है, तो देयर एग्जिस्ट का है ना, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर. ओके और इसका रूल क्या है, मैंने आपको हिंट क्या दिया? एक भी अगर ट्रू रहेगा तो फाइनल आंसर ट्रू, एक भी, इवन इफ वन इज ट्रू द फाइनल आंसर इज ट्रू. तो आप लोग बोलो इसका फाइनल आंसर क्या रहेगा? ट्रू रहेगा क्योंकि एक ट्रू दिख रहा है ना, एटलीस्ट वन ट्रू दिख रहा है. ओके तो मैं लिखूंगा गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू सिंस At least one entry is true. Since at least one entry is true. At least मतलब कम से कम एक. ए तू मेरे को बार बार पीछे क्यों जाने को बोलते हैं हमेशा? Just copy this. I'll show that slide. Don't worry. पहले copy करो. और इसको सर्कल भी करो ये पेपर करेक्टर को दिखाने के लिए. बाबा देखो
ओके, यू वांट टू सी दिस स्लाइड? ये स्लाइड देखना है आपको? जस्ट टेल मी इट, यू वांट दिस स्लाइड? ये वाला स्लाइड? इवन इफ वन ट्रू का मतलब क्या है? एटलीस्ट वन ट्रू. इवन इफ वन ट्रू का मतलब क्या है? एटलीस्ट वन ट्रू. चाहे तो लिख के रखो, इवन इफ वन ट्रू एटलीस्ट वन ट्रू. चलो टाइम पास मत करो, जल्दी जल्दी हो गया तो बोल देना. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री. एन टू थ्री फाइव सिक्स सेवन. ओके, कंडीशन, बीच में कंडीशन डाल देते हैं. टू एन प्लस टू लेसर देन फोर. सो टू इंटू टू प्लस टू कितना होता है? सिक्स लेसर देन फोर. ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगा? ट्रूथ वैल्यू एन के जगह पे पहला वैल्यू डाल दिया टू. ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगा बोलो? फॉल्स. टू इंटू थ्री प्लस टू, एन के जगह पे दूसरा वैल्यू डाल दिया यार. सिक्स प्लस टू एट. फॉल्स. चलो कंप्लीट करो तुम लोग. ओके, प्रॉब्लम देयर एग्जिस्ट का है कि फॉर ऑल का है? दोनों. अरे दोनों क्या? दोनों डेंजरस. स्टार्टिंग में ये दिया है ना, ये दिख रहा है तुम लोगों को? ये मुझे तो दिख रहा है, तुम लोगों को दिख रहा है क्या? थर्ड सम का स्टार्टिंग में तो ये क्या है? ये देयर एग्जिस्ट है कि फॉर ऑल है? ये फॉर ऑल है. ओ माय गॉड, भगवान बचाओ मुझे. चाहिए तो देख के आंसर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं. यू आर डूइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम. यू कैन रेफर नोट्स एंड टेल मी. ओके, क्योंकि एक बार अगर गलत कुछ दिमाग में बैठ गया तो फिर हमेशा के लिए वही रह जाएगा, नहीं तो. ओके, तो ये क्या है? फॉर ऑल है, देयर एग्जिस्ट है कि डोंट नो है? ये देयर एग्जिस्ट, तो ये देयर एग्जिस्ट का प्रॉब्लम है. देयर एग्जिस्ट का प्रॉब्लम है. देयर एग्जिस्ट का क्या रूल है? कम से कम एक ट्रू रहना चाहिए क्या? यहाँ पे कम से कम एक भी ट्रू है क्या? या एटलीस्ट वन टू है क्या? ओके, ये प्रॉब्लम है. फॉर ऑल मत लाओ. Somebody is asking me, इसमें फॉर ऑल आएगा क्या? क्यू? वाई? वाई डू यू वॉन्ट टू कनेक्ट टू डिफरेंट थिंग्स? ओके, देयर एग्जिस्ट का प्रॉब्लम है ना? दिया ही नहीं है बराबर, तो क्यों उसके बारे में सोचने का? फॉर ऑल दिया नहीं है तो फालतू का क्यों सोचने का उसके बारे में? ओके, सो देयर एग्जिस्ट का रूल क्या है? कि कम से कम एक ट्रू रहना चाहिए. यहाँ पे एक भी ट्रू नहीं है. तो गिवेन स्टेटमेंट इज फॉल्स सिंस ऑल आर फॉल्स. ऑल द केसेस आर फॉल्स, राइट ना? समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है?
ओके नेक्स्ट वन वाई, फोर्थ प्रॉब्लम में वाई लिखूंगा बराबर ना। 2, 3, 5, 6, 7 वाई बिलोंग्स टू बी ना, वाई स्क्वायर इज नेगेटिव, 2 स्क्वायर 4 इज नेगेटिव, ट्रूथ वैल्यू फॉल्स, 3 स्क्वायर 9 इज नेगेटिव, ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स, ये कैसा ट्रू रह सकता है। 5 स्क्वायर 25 इज नेगेटिव, कंडीशन के हिसाब से नेगेटिव है लेकिन क्या सही में वो नेगेटिव है, नहीं, आंसर इज फॉल्स। 6 स्क्वायर 36 इज नेगेटिव, ट्रू की फॉल्स है, फॉल्स है। 7 स्क्वायर 49 इज नेगेटिव, फॉल्स है। पहले इतना कॉपी करो फिर डिस्कशन कर लेंगे। अब ये प्रॉब्लम फॉर ऑल का ही देर एग्जिस्ट है, फॉर ऑल का है कि देर एग्जिस्ट है, फॉर ऑल का है। ओके अभी फॉर ऑल क्या बोलते हैं, ऑल शुड बी ट्रू ना, तो फाइनल आंसर ट्रू रहेगा। फॉर ऑल बोलते हैं ये सब के सब ट्रू रहने चाहिए, ऑल शुड बी ट्रू, ऑल ट्रू है क्या, नो, ऑल इधर एक भी ट्रू नहीं है, ऑल का तो जाने दो, एक भी ट्रू नहीं है, ठीक है। व्हाट इज द गिवन फाइनल आंसर, गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स सिंस ऑल आर फॉल्स। डिफिकल्ट लग रहा है, इजी लग रहा है, क्या डाउट है आपको पूछो। Tani, I am not discussing that. Why do you compare with their existence? I'll not answer that. फिर आप हर एक प्रॉब्लम के लिए ऐसा कंपैरिजन में जाते हो, मेरे को एक चीज़ का अलग अलग वेज में पूछते रहते हो। आई डोंट माइंड आंसरिंग, लेकिन टाइम जाता है उसमें, फिर वही हैबिट लगेगा, मेरा सिलेबस कम्प्लीट नहीं होगा। वो समझा आपको तो फिर बात खत्म। ओके नेक्स्ट वन, फोर्थ फिफ्थ सॉरी वाई बिलोंग्स टू बी, 2, 3, 5, 6, 7 2, 3, 5, 6, 7 या फिर ट्रूथ वैल्यू आएगा, और बीच में क्या आता है हमेशा कंडीशन आता है, कंडीशन वाई माइनस फाइव बिलोंग्स टू एन, ये एन क्या है, NR, the set of natural numbers. So 2 minus 5 minus 3. -3 belongs to natural numbers. True or false? False.
थ्री माइनस वाई माइनस टू बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये तो फॉल्स है, फाइव माइनस फाइव जीरो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये भी फॉल्स है। सिक्स माइनस फाइव वन बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स, ओके। एंड सेवन माइनस फाइव टू इट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये तो ट्रू है, ओके। प्रॉब्लम इज फॉर फॉर ऑल की देर एग्जिस्ट, प्रॉब्लम फॉर ऑल का है कि देर एग्जिस्ट का है, फॉर ऑल का है, राइट। फॉर ऑल का प्रॉब्लम क्या बोलता है, ऑल शुड बी ट्रू, आर ऑल ट्रू, सबके सब ट्रू है क्या, नो, ऑल आर नॉट ट्रू। फाइनल आंसर क्या रहेगा, फाइनल आंसर क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। निखिल ये प्रॉब्लम में देयर एग्जिस्ट को पिक्चर में मत लाओ, जो प्रॉब्लम अगर मैं ये देखो कि आई एम नॉट ट्राइंग टू यू नो आप लोग को रोक नहीं रहा हूँ, मैं आपको कंफ्यूजन क्रिएट करने से बचा रहा हूँ। अगर एक ही प्रॉब्लम में दोनों के बारे में सोचोगे, आंसर देने के लिए तैयार हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट देन वाइल आंसरिंग यहाँ पे जो लोग को जितना समझा है ना उनको उतना रिवर्स गियर में चला जाएगा, उनको उनको उनका कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा फिर, तो मुझे बाकी का लोग के बारे में भी सोचना पड़ता है वाइल आंसरिंग सर्टन क्वेश्चंस, कभी कभी रेस्ट्रिक्ट करना पड़ता है खुद को। तो दैट इज द रीजन व्हाई आई अवॉइड आंसरिंग सर्टन क्वेश्चंस, क्योंकि आपका कन्फ्यूजन बढ़ाना नहीं है, खत्म करना है। किसी किसी को थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा तो वो बोलेंगे कि क्या सर एक ही प्रॉब्लम में सब कुछ डिस्कस कर दो, ऐसा नहीं होता है ना, ओके। सो कीप इट वेरी सिंपल, कीप इट वेरी इजी फॉर योर सेल्फ, या तो ये प्रॉब्लम किसके लिए, फॉर ऑल के लिए, राइट। फॉर ऑल का रूल क्या है, सब सब कुछ ट्रू रहना चाहिए, एवरीथिंग शुड, लेकिन वो है नहीं, ओके। सो व्हाट आई विल राइट, गिवन स्टेटमेंट is false since all are not true, चलेगा ये इंग्लिश बराबर है, ओके। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मैं, मिसलिनियस में जाता हूँ मैं, मिसलिनियस में अभी तुम लोग को एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए मैं खुद दे रहा हूँ। मिसलिनियस में क्वेश्चन नंबर फोर का 21st सेल्फ स्टडी, इट इज बेस्ड ऑन सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स जो अभी मैंने किया ना टेबल बना के, सेम कैटेगरी का प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे तुम लोग को एक्स्ट्रा प्रैक्टिस मिलेगा 21st प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन उनका प्रेजेंटेशन मेरा प्रेजेंटेशन अलग है, सो आई वुड रिकमेंड अगर मेरा मेथड सिखाए तो मेरा प्रेजेंटेशन यूज करो, आई एम नॉट सेइंग दे आर रॉन्ग, लेकिन मैं एट द सेम टाइम ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि मैं मेरा प्रेजेंटेशन भी रॉन्ग है, ओके। इज दैट ओके, विल यू प्रैक्टिस दिस ऑन योर ओन फॉर दिस प्रॉब्लम, तो एक एक्स्ट्रा प्रॉब्लम तुम लोग अगर प्रैक्टिस करोगे तो फिर तुम लोग का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ये टाइप का प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। Let's go back to the exercise. Exercise 1.5. Yeah, question number 1. Hey, that you can confirm with someone else. मेरे दिमाग में वो सब नहीं रहता है. 1000+ students रहते हैं. अलग अलग branches का, अलग अलग batches का, अलग अलग classes का. As in 11th, 12th, ये foundation, ये वो, blah blah blah. So I really don't remember. एक बार मैं बोल देता हूँ तो उसके बाद में मैं खुद मार्क नहीं करता, okay. Next.
एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1 ओके यूज क्वालिफायर्स टू क्वालिफायर्स क्या है ये क्वांटिफायर्स यूज क्वांटिफायर्स टू कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग ओपन सेंटेंसेस डिफाइंड ऑन एन इनटू अ ट्रू स्टेटमेंट. अभी मुझे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा ये. अभी अगर मैं ऐसा बोल देता हूँ डोंट राइट एनीथिंग एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 इज दिस अ स्टेटमेंट. सॉल्व नहीं करने का, एक्स का वैल्यू पता नहीं है, सॉल्व नहीं करने का. इज दिस अ स्टेटमेंट? दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट. वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ एक्स. तो एल एच एस आर एच एस प्रूफ कैसे करूंगा मैं? हाउ एम आई गोइंग टू प्रूव दिस एल एच एस आर एच एस? इसके लिए वो लोग क्या बोल रहे हैं देखो, ऑफ ईच ऑफ द ओपन सेंटेंसेस. क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है तुम लोग को, कन्वर्ट करने गए ये सेंटेंसेस को, ये ओपन सेंटेंसेस को स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट करना. बराबर है? बराबर है. ओके अभी सुनो, डिफाइंड ऑन एन दिख रहा है क्वेश्चन में, दिख रहा है डिफाइंड ऑन एन दिखाई दे रहा है? ओके डिफाइंड ऑन एन मतलब अपने को एक्स का वैल्यू एन में से खींच के लेके आना है. एन क्या है? नेचुरल नंबर. एक्स शुड बिलोंग टू एन, एक्स शुड बिलोंग टू एन. बराबर है? ठीक है. कोई मेरे को एक बात बोलो, ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 ओके ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. बराबर? ठीक है. तो अगर ये सॉल्व करोगे तो इसका दो आंसर्स आएगा, इसका दो आंसर्स आएगा. क्या क्या दो आंसर्स रहेंगे ये सॉल्व करोगे तो उसका आंसर्स क्या क्या रहेगा? माइनस फाइव और टू आएगा क्या? माइनस फाइव और टू बोल बोलो, मैं तो गेस कर रहा हूँ, तुम लोग बोलो. बोलिए बोलिए. फाइव और माइनस टू की माइनस फाइव एंटर. सॉल्व करो चलो. क्या तुम लोग यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन करने को नहीं आते? डू इट फास्ट, कम ऑन गाइस. माइनस फाइव टू बराबर है क्या? टू एन फाइव कैसे आएगा? क्या मालूम कैसे लिखते हो? बाप रे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 12th स्टैंडर्ड में आके तुम लोगों को नहीं आ रहा है, मतलब थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा लाइफ में. बराबर है? ओके बोलो आंसर क्या आएगा. माइनस फाइव एंड बोलने का नहीं, कभी भी और रहता है. ठीक है चलो, इट इज वेरी बैड दैट आई हैव टू टीच यू ऑल दिस थिंग्स नाउ. ओके सो आई वाज लाइक कि एक्स का वैल्यूज नेचुरल नंबर्स में से आएगा. ओके माइनस फाइव एंड टू ये तो पिक्चर में से चला गया माइनस फाइव, क्योंकि नेचुरल नंबर नहीं है.
ओके, टू तो नेचुरल नंबर है ना, टू तो नेचुरल नंबर है, ओके okay? क्या टू सारे के सारे नेचुरल नंबर्स है? क्या टू सारे के सारे नेचुरल नंबर्स है? मतलब व्हेन आई से नेचुरल नंबर्स, इज इट ओनली टू? ऑब्वियसली नॉट. सो यहाँ पे आएगा देयर एग्जिस्ट एक्स विच बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, कॉमा, कॉमा का मतलब है सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0. और जस्टिफिकेशन दे देंगे, सिंस x इक्वल टू 2. तो यहाँ पे देयर एग्जिस्ट आया. ओके, नाउ दिस बिकम्स अ कंप्लीट स्टेटमेंट. देयर एग्जिस्ट सम वैल्यू ऑफ x विच बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर विच मेक्स दिस कंडीशन ट्रू. देयर एग्जिस्ट x विच बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स. क्या मैं फॉर ऑल लिखू? क्या फॉर ऑल x मतलब सारा का सारा नेचुरल नंबर्स ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ऐसे लिख सकता हूँ? नो, इसके लिए मैंने देयर एग्जिस्ट डाल दिया और फॉर ऑल को निकाल दिया. ठीक है, नीचे ब्रैकेट में जस्टिफिकेशन भी दिया हम लोगों ने. पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने को सीखो. सेकंड वन 3x माइनस 4 लेसर देन 9. x दिख रहा है आपको? x 3x माइनस 4 लेसर देन 9. तो x के जगह पे मैं कोई भी नेचुरल नंबर डालूंगा या सारे के सारे नेचुरल नंबर्स डालने के बाद में LHS will be less than RHS. Is that the case? चलो x का वैल्यू 1 डालते हैं, फर्स्ट नेचुरल नंबर. सो 3 into 1, 3 माइनस 4 माइनस 1, माइनस 1 लेस देन 9. ये तो ट्रू है, जब भी मैंने 1 डाला इसका आंसर ट्रू आया. ओके, कंडीशन ट्रू है. जब मैं 2 डालता हूँ, 3 into 2 6 होता है, 6 माइनस 4 2 is 2 less than 9, 2 less than 9, ये x का values है. ओके, चाहे तो इसको fair बना देते हैं, so that you know, people will not get confused. x, ओके, 3x minus 4 less than 9, 1, 3 into 1 minus 4, minus 1 less than 9, तो ट्रू हो गया. 2, 3 इंटू 2, 6 माइनस 4, 2, 2 लेस देन 9, ये भी ट्रू हो गया. 3, अच्छा ये सब नेचुरल नंबर्स है, दिस आर ऑल नेचुरल नंबर्स, x नेचुरल नंबर्स में से निकालना. 5 लेस देन 9, ये भी ट्रू हो गया. 4, 12 माइनस 4, 8, विच इज ऑल्सो लेस देन 9. ओके, और कोई नेचुरल नंबर रहेगा क्या जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? और कोई नेचुरल नंबर्स रहेगा क्या जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? और कोई नेचुरल नंबर रहने का चांस ही नहीं है. दिस आर द पॉसिबल केसेस. मैंने रीजन पहले ही दे दिया, अभी जस्टिफिकेशन पहले ही दे दिया. तो तब अभी आप लोग मुझे बोलो, 1, 2, 3, 4 आर दिस ऑल नेचुरल नंबर्स? No, these are not all natural numbers. Yes, कोई तो yes बोल रहे, मतलब ये सारा का सारा natural numbers मतलब 1, 2, 3, 4 ही है क्या? No, थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आ रहा है, मे बी इंटरप्रिटेशन हो रहा नहीं आपको बराबर से. आई एम आस्किंग यू, आर दिस 1, 2, 3, 4 आर दिस ऑल द पॉसिबल नेचुरल नंबर्स? कि दिस आर ओनली स्पेसिफिक नेचुरल नंबर्स? दिस आर ओनली स्पेसिफिक नेचुरल नंबर्स. ओके, तो देयर एग्जिस्ट आएगा, देयर एग्जिस्ट
एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट 3x minus 4 less than 9. आगे बढ़ू, ये ऊपर का पार्ट जस्टिफिकेशन था और ये अपना आंसर। कॉपी करो अच्छे से, जल्दी से कॉपी करो। वो माइनस वन ये तो कंडीशन है ना, कंडीशन टेस्ट कर रहे हैं। माइनस वन नेचुरल है कि नहीं उससे कुछ लेना देना नहीं है, तो कंडीशन में आता है। फर्स्ट नेचुरल नंबर इज जीरो, वो माइनस वन को अज्यूम मत करो, वो तो कंडीशन चेक करने के लिए। ये नेचुरल होने दो या नहीं होने दो, ओके। शुड आई प्रोसीड विद द नेक्स्ट वन? ओके, आगे बढ़ता हूँ मैं। थर्ड वन, एन 1, 2, 3, 4, 5 कंडीशन डालता हूँ मैं। एन स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अरे एट देयर एग्जिस्ट क्यों लिखा? क्योंकि दीस आर नॉट ऑल नेचुरल नंबर्स ना, ये सबके सब नेचुरल नंबर्स थोड़ी ना। आर दिस दी ओनली नेचुरल नंबर्स? दीस आर नॉट ओनली नेचुरल नंबर्स ना, इसके अलावा भी तो है। तो ये जो कंडीशन है ना, ये ट्रू किसके लिए? सिर्फ चार ही नेचुरल नंबर्स के लिए, चार ही नेचुरल नंबर्स के लिए। जस्टिफिकेशन लिख दो एग्जाम में। नाउ सी, 1 square is equal to 1, 1 is greater than or equal to 1, ये तो ट्रू है, दिस इज ट्रू। 1 is greater than or equal to 1, 2, 2 square is 4, 4 is greater than or equal to 1, दिस इज ट्रू। 3 square 9, 9 greater than or equal to 1, this is also true. 4 square 16, 16 greater than or equal to 1, this is also true. 5 square 25 greater than or equal to 1, this is also true. तो क्या ये चलते रहेगा? क्या ये चलते रहेगा? So आर दिस ऑल नेचुरल नंबर्स? ये एंड तक जितने भी है ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स है। इसमें ऐसा कोई नंबर है जो इंक्लूड नहीं किया हम लोग ने, कि सारे के सारे नेचुरल नंबर्स को इंक्लूड किया? हैव वी इंक्लूडेड ईच एंड एवरी नेचुरल नंबर? यस। तो अभी देयर एग्जिस्ट आएगा कि फॉर ऑल आएगा? अभी फॉर ऑल आएगा, फॉर ऑल, क्योंकि सब नेचुरल नंबर्स के लिए कंडीशन ट्रू है। इट इज True for each and every natural number. Final answer यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये justification लिख दो ऐसा चलेगा, कोई problem नहीं। For all x belonging to natural numbers, x नहीं sorry अभी n आएगा ना, n, n square greater than or equal to 1, n square greater than or equal to 1, ओके। हैव यू कॉपीड?
ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे बढ़ता हूं मैं, फोर्थ वन। देयर एग्जिस्ट एन बिलोंगिंग टू एन, ओके। नहीं 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 आपको पहले आपको आंसर ही बता दूं, सॉरी मैंने सॉल्व नहीं किया। सो एन, ओके, कंडीशन कंडीशन जस्टिफिकेशन पहले दे देते हमने, ओके, पेपर करेक्टर को। सब नेचुरल नंबर्स ले लेते, तो टू इंटू वन माइनस वन कितना होता है, वन। इज इट इक्वल टू फाइव, इज इट इक्वल टू फाइव? नो। अरे जस्टिफिकेशन लिख रहा हूँ ना मैं, क्या देने का मतलब लिख रहा हूँ ना मैं, आई एम ऑलरेडी गिविंग यू ट्रू और फॉल्स के टाइम कॉन्टेक्स्ट में, तो फॉल्स है। टू इंटू टू माइनस वन, फोर माइनस वन थ्री, इज इट इक्वल टू फाइव? ये भी फॉल्स है। टू इंटू थ्री सिक्स, माइनस वन फाइव, फाइव इक्वल टू फाइव, इज दिस ट्रू? यस इट इज ट्रू। टू इंटू फोर माइनस वन, एट माइनस वन सेवन, इज इट इक्वल टू फाइव? सेवन इज इट इक्वल टू फाइव? नो, टू फॉल्स है। टू इंटू फाइव माइनस वन, नाइन, इज इट इक्वल टू फाइव? नो, टू फॉल्स है। ओके राइट। अभी मेरे को एक बात बोलो, तो ये जो कंडीशन, ये जो ट्रू है कंडीशन, ये सिर्फ थ्री के लिए ट्रू है कि सारे के सारे नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू है? इट इज ट्रू फॉर ईच एंड एवरी नेचुरल नंबर, इट इज ट्रू ओनली फॉर थ्री, इट इज ट्रू ओनली फॉर थ्री। तो देयर एग्जिस्ट आएगा कि फॉर ऑल आएगा? देयर एग्जिस्ट आएगा कि फॉर ऑल आएगा? There exists, right? Okay, there exists n which belongs to capital N, okay, 2n minus 1 is equal to 5, condition dal diye 2n minus 1 equal to 5, this is the actual answer. Answer to ek line ka hai, upar hum log ne paper corrector ke understanding ke liye thoda justification dal diye, so that he or she comes to know that you have understood the concept. ठीक है, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, शुड आई प्रोसीड? फिफ्थ, फिफ्थ वाई, वन टू थ्री फोर फाइव डॉट डॉट डॉट, ये तो चलते ही आएगा, बीच में कंडीशन डाल देते वाई प्लस फोर ग्रेटर देन सिक्स, तो वन प्लस फोर फाइव विच इज ग्रेटर देन सिक्स, ये तो फॉल्स हो गया। टू प्लस फोर सिक्स ग्रेटर देन सिक्स, ये भी तो फॉल्स हो गया। थ्री प्लस फोर सेवन ग्रेटर देन सिक्स, ये तो ट्रू हो गया। फोर प्लस फोर एट ग्रेटर देन सिक्स, ये तो ट्रू हो गया। फाइव प्लस फोर नाइन ग्रेटर देन सिक्स, ये तो ट्रू हो गया। एंड में जितना भी रहेगा ये सब ग्रेटर देन सिक्स रहेगा, डू यू अग्री विथ मी? और सबका आंसर ट्रू रहेगा एंड में, एंड तक सबका आंसर ट्रू रहेगा, ओके, सबका आंसर ट्रू रहेगा टिल द एंड। लेकिन अगर तुम लोग ने ये सारे नेचुरल नंबर्स देखे, ये सारे नेचुरल नंबर्स देखे, तो ट्रू कहाँ पे आ रहा है? ट्रू सारे के सारे नेचुरल नंबर्स के लिए आ रहा है क्या? ओके,
और टू को तो फॉल्स आ रहे हैं, तो क्या यहां पर मैं देयर एग्जिस्ट यूज करूंगा कि फॉर ऑल यूज करूंगा, ऑल नेचुरल मेंबर्स यूज करूंगा कि देयर एग्जिस्ट यूज करूंगा, देयर एग्जिस्ट यूज करूंगा, क्योंकि सारा का सारा नेचुरल नंबर उसके लिए कंडीशन ट्रू नहीं है. ओके इज दैट, इसका आंसर मैं ऊपर लिख देता हूँ. किधर गया हूँ, वन सेकेंड. यहाँ पर सॉरी, ओके ऊपर लिख देता हूँ मैं. आप देयर एग्जिस्ट वाई विच बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कॉमा, कॉमा का मतलब सच दैट y प्लस फोर ग्रेटर देन सिक्स. y प्लस फोर ग्रेटर देन सिक्स. लिखा सब लोग ने? वो सब y इक्वल टू 3, 4, 5, 6 मत लिखो, इट इज अंडरस्टूड ओवर हियर. जस्टिफिकेशन दे दिया ना हम लोगों ने ट्रू और फॉल्स के कॉन्टेक्स्ट में, लिखा ना हम लोग ने, देखो ना 2, 3, 4, 5, 6, 7 के लिए ट्रू है, जस्टिफिकेशन वी हैव ऑलरेडी गिवन. ओके सिक्स्थ वन, लेट अस स्टार्ट विद द सिक्स्थ वन. सिक्स्थ वन खुद से करोगे? विल यू स्टार्ट डूइंग इट ऑन योर ओन? विल यू स्टार्ट डूइंग इट ऑन योर ओन? आंसर बता देना, फॉर ऑल आएगा कि देयर एग्जिस्ट आएगा? देयर एग्जिस्ट आएगा, क्योंकि ये ट्रू सबके लिए नहीं है, वन के लिए है, टू के लिए, थ्री के लिए है, फोर से फॉल्स होना चालू हो जाएगा, फोर से फॉल्स होना चालू हो जाएगा, है कि नहीं? ओके आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग क्वांटिफायर. तुम लोग को क्वांटिफायर समझ में आ रहा है? ओके नेक्स्ट. Should I proceed? Should I proceed? Okay. Now we are going to a totally different subtopic. Okay. नोट, आपको ये दिया रहेगा, गिवन विल बी की इम्प्लीकेशन की, दिस विल बी गिवन टू यू. ओके तो ये स्टेटमेंट का कॉन्वर्स है
क्यू इम्प्लीकेशन की, ओके इनवर्स है निगेशन पी इम्प्लीकेशन निगेशन की, ओके एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव है निगेशन क्यू इम्प्लीकेशन निगेशन पी, निगेशन क्यू इम्प्लीकेशन निगेशन पी, ओके डन। कॉपी करो अच्छे से, सबका मीनिंग पता चलेगा, डोंट वरी। लास्ट वाला कॉन्ट्रा पॉजिटिव, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, सॉरी फॉर माय हैंडराइटिंग। सीधा एक्सरसाइज 1.8 में जाने का, एक्सरसाइज 1.8 ओके चलो एक्सरसाइज 1.8 क्वेश्चन नंबर 3 मिला क्या तुम लोगों को, एक्सरसाइज 1.8 पेज नंबर 21 कॉन्वर्स इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इफ इट स्नोज देन दे डू नॉट ड्राइव द कार, ओके सो लेट पी इट स्नोज, ओके क्यू अभी इसमें अफर्मेटिव लोगे नहीं लोगे तो भी चलेगा, सिंबॉलिक फॉर्म में मैंने आपको बोला था अफर्मेटिव लेने का, याद है क्या सिंबॉलिक फॉर्म में, ओके लेकिन कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव में ऐसा कोई रूल मत अप्लाई करो, कंफ्यूज हो जाओगे, यू माइट गेट कंफ्यूज, ओके सिंपल रखो इट्स नोज, ओके दे डू नॉट ड्राइव द कार एंड व्हाट इज गिवन, क्या दिया अपने को पी इम्प्लीकेशन क्यों, तो कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव का पहला स्टेप क्या रहता है सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करने का, लेकिन अफर्मेटिव कंसिडर करोगे तो भी चलेगा नहीं करोगे तो भी चलेगा, मैंने तो नहीं किया लेकिन सिर्फ सिंबॉलिक फॉर्म रहता था ना, सिर्फ सिंबॉलिक फॉर्म तो मैं ऐसे लिखता था बराबर है, सिर्फ सिंबॉलिक फॉर्म का क्वेश्चन रहता था, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो अभी पूछ लेना। आई रिपीट ये देखो कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव का समय सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करो, लेकिन अफर्मेटिव वाला रूल अप्लाई नहीं करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम सिंबॉलिक फॉर्म का नहीं है, सिंबॉलिक फॉर्म का हेल्प लेने वाले हम लोग लेकिन सिंबॉलिक फॉर्म का नहीं है ये, इट इज फॉर कॉन्वर्स एंड इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ओके तो मैंने सिंपल रखा पी इट्स नोज और क्यू जो दिया है वो ही रखा है, दे डू नॉट ड्राइव द कार, ओके अभी इसमें अफर्मेटिव में मत जाओ, सिंबॉलिक फॉर्म का क्वेश्चन नहीं है ये, क्या सो कॉन्वर्स पहले फॉर्मूला लिखेंगे क्यू इम्प्लीकेशन पी बराबर है, क्यू इम्प्लीकेशन पी इफ देन मतलब प्रीवियस में भी इधर मैंने इम्प्लीकेशन क्यों डाला है इफ देन बोला है ना इसके लिए, ओके कॉन्वर्स का फॉर्मूला लिखा मैंने कॉन्वर्स का क्यू इम्प्लीकेशन पी, इफ दे
डू नॉट ड्राइव द कार देन इट स्नोस. बराबर है. वर्बल फॉर्म भी लिखना है, वर्बल ही इंपॉर्टेंट है. पहले फॉर्मूला बाद में वर्बल. पहले फॉर्मूला बाद में वर्बल. अरे गिवन में किधर निगेशन क्यों था? मैंने बोला ना, इधर मैंने अफर्मेटिव कॉन्टेक्स्ट में नहीं लिखा है, किधर निगेशन है इसमें? दे डू नॉट ड्राइव द कार, क्वेश्चन देखो ना, दे डू नॉट ड्राइव द कार को ही मैंने क्यों लिया है, प्री इम्प्लीकेशन क्यों? इसमें मैंने अफर्मेटिव नहीं डाला है. ओके, ये समझा तुम लोग को कॉन्वर्स क्यों इम्प्लीकेशन पी? एनीवन हु इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस. इम्प्लीकेशन है, इफ से चालू होगा, इफ क्यू तो ये पूरा स्टेटमेंट क्यू है, देन पी ये पूरा स्टेटमेंट पी है. यस, नेक्स्ट वन इनवर्स. इनवर्स निगेशन पी, इम्प्लीकेशन निगेशन क्यू. पहले फॉर्मूला डाल दिया मैंने, फर्स्ट आई एम पुटिंग द फॉर्मूला. ओके, नाउ स्टेटमेंट, इफ इट डज नॉट स्नो, निगेशन पी क्या है? इट डज नॉट स्नो, क्योंकि पी क्या है? इट स्नोस, तो निगेशन पी क्या रहेगा? इट डज नॉट स्नो. देन दे ड्राइव द कार. अंडरस्टूड? ये क्यों है, निगेशन क्यों है? ये किसी को कुछ पूछना है इसमें? कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव. बोलिए जल्दी. इनवर्स इज क्लियर? Yes, across all the branches you are able to understand. आज का लेक्चर क्लियर है क्या? ओके, कॉन्ट्रा पॉजिटिव. पहले फॉर्मूला लिखेंगे, निगेशन क्यू इम्प्लीकेशन निगेशन पी. निगेशन क्यू इम्प्लीकेशन निगेशन पी. चलो वर्बल तुम लोग मुझे बताओ बराबर से एकदम. मीनिंग में नहीं जाने का, इसका मीनिंग में नहीं जाने का प्लीज. मीनिंग पूछो भी मत मेरे को. इफ दे ड्राइव द कार, करेक्ट. अरे निगेशन क्यों? क्यों क्या है? दे डू नॉट ड्राइव द कार, तो निगेशन क्यों क्या रहेगा? दे ड्राइव द कार. Then it does not snow. If they drive the car, then it does not snow. Okay. नेक्स्ट वन नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड. लेट पी, अफर्मेटिव के बारे में सोचो ही मत,
सिंपल सिंपल डाल दो। चलो लेट पी लेट पी ही स्टडीज क्यू ही विल गो टू कॉलेज। सेकेंड स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट पी सेकेंड स्टेटमेंट क्यू अफर्मेटिव है कि नहीं है इग्नोर करूं कॉन्ट्र कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव के लिए। इज द पॉइंट टेकन ये समझा क्या तुम लोग को ये गिवन व्हाट इज गिवन P implication Q ओके कॉनवर्स कॉनवर्स का फॉर्मूला मैं लिखता हूँ तुम लोग मुझे वर्बल बताओ कॉनवर्स क्यू इम्प्लीकेशन की। चलो बताओ आंसर बताओ इफ ही गोज टू कॉलेज देन ही विल स्टडी। ग्रामेटिकली इतना नहीं स्ट्रांग रहोगे तो भी चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं। If he goes to college, then he will study. Or then he studies. दोनों चलेगा. Then he studies भी चलेगा. कोई problem नहीं है. Do you want me to write this? Anyone? किसी को चाहिए मैं लिखूँ तो मैं लिख देता हूँ. Yes डाल देना मैं लिख देता हूँ. इनवर्स निगेशन की इंप्लीकेशन निगेशन की इफ ही डज नॉट स्टडी देन ही विल नॉट गो टू कॉलेज। बराबर है आपको सिर्फ ये नहीं है वर्बल फॉर्म भी लिखने का है ये पूरा लाइन लिखने का है नहीं तो एग्जाम में सिर्फ इतना लिख के आ जाऊंगी ऐसा नहीं है। यू हैव टू राइट द एंटायर स्टेटमेंट वर्बली। Is that okay? Contra positive. निगेशन क्यू इम्प्लीकेशन निगेशन क्यू बोलो इफ ही डज नॉट गो टू कॉलेज या फिर इफ ही विल नॉट गो टू कॉलेज देन He will not study. या फिर then he not studies. चलेगा ग्रामेटिकली रॉन्ग रहोगे तो भी चलेगा लेकिन रूल के हिसाब से राइट रहो रूल के हिसाब से राइट रहो। am I making sense over here? ठीक है नेक्स्ट एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रहा हूँ
आई एम गिविंग यू एन एक्स्ट्रा क्वेश्चन. देन ही विल नॉट स्टडी भी चलेगा, देन ही नॉट स्टडीज भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई एम गिविंग यू एन एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऑन दिस. ओके, द क्वेश्चन इज, द क्रॉप्स विल बी डिस्ट्रॉयड. ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. इफ देर इज अ फ्लड. अभी सबसे पहले मैं पी एंड क्यू डिक्लेयर नहीं करेगा. आई एम नॉट गोइंग टू डिक्लेयर पी एंड क्यू. वाई, कोई बता सकते हैं? कोई बता सकते हैं? मैं पी और क्यू स्टार्टिंग में डिक्लेयर क्यों नहीं कर रहा हूँ. आई एम नॉट डिक्लेयरिंग एट द मोमेंट, क्योंकि ये सेंटेंस फॉर्मेशन बराबर नहीं है. ये सेंटेंस फॉर्मेशन बराबर नहीं है. सो आई विल री राइट दिस. आई एम गोइंग टू री राइट दिस. ओके, मैं री राइट कर लेता हूँ. इफ देर इज अ फ्लड, देन द क्रॉप्स विल बी डिस्ट्रॉयड. देन द क्रॉप्स विल बी डिस्ट्रॉयड. बराबर है? मैंने रीराइट किया. क्वेश्चन तो ये था ऊपर वाला, लेकिन मैं देखा कि बराबर नहीं है ये. इफ से चालू नहीं हो रहा है. इफ से चालू करता हूं मैं. फर्स्ट आई विल रीराइट द स्टेटमेंट और रीराइट द क्वेश्चन इन द करेक्ट मैनर, एंड देन आई विल डिक्लेयर व्हाट इज पी एन क्यू. एम आई मेकिंग सेंस ओवर हियर? Okay, now I'll declare P. Let P, there is a flood. P, there is a flood. Q, the crops will be destroyed. There is a flood, the crops will be destroyed. बराबर लिखा मैंने पी और क्यू. अभी गिवन भी लिखो. व्हाट इज गिवन? क्या गिवन है? पी इंप्लीकेशन क्यू. दिस इज गिवन टू अस. पी इंप्लाइज क्यू भी बोल सकते हो. इफ पी देन क्यू भी बोल सकते हो. गाइस टेल मी, एम आई करेक्ट? ओके, चलो लिखो. कॉनवर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव. आई एम गिविंग यू 2-3 मिनट्स, कंप्लीट कर दो. अभी उसमें तो मेरा हेल्प का जरूरत नहीं है तुमको. बराबर ना? चलो डू इट, देन आई लास्ट. आफ्टर 2-3 मिनट्स आई लास्ट.
हेलो, सो आई थिंक आई हैव गिवन यू इनफ अमाउंट ऑफ टाइम. ओके बोलो, कॉनवर्स बोलो. आई वॉज नॉट रीडिंग द कमेंट, सॉरी, आई वॉज नॉट रीडिंग द कमेंट. इफ द क्रॉप्स विल बी डिस्ट्रॉयड देन देर इज अ फ्लड, देर विल बी फ्लड लिखो, देर इज अ फ्लड लिखो, जाने दो. रूल के हिसाब से राइट रहना चाहिए, है कि नहीं? ये कोई मैथ्स का पेपर कोई इंग्लिश का टीचर चेक नहीं करने वाला. इनवर्स, इफ देर इज नो फ्लड. अरे मैडम, कॉनवर्स, चलो कॉनवर्स बता देता हूँ मैं, कॉनवर्स वापस बता देता हूँ. ओके, द क्रॉप्स विल बी डिस्ट्रॉयड, इफ द क्रॉप्स विल बी डिस्ट्रॉयड देन देर इज अ फ्लड. Then there will be a flood, लिखो, जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है? ओके, चलेगा? Converse चलेगा सब लोग को अभी? या इनवर्स, इनवर्स क्या रहेगा? इफ देर इज नो फ्लड देन द क्रॉप्स विल नॉट बी डिस्ट्रॉयड. एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव, एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव. Okay, if the crops will be destroyed, then there will be no flood. If the crops will not be destroyed, sorry, if the crops will not be destroyed, then there will be no flood, or there is no flood. ठीक है, आज का लेक्चर बड़ा है, आपको पता है. I hope you all remember about today's class. Yes, 7:15 to 9:15 बोला था मैंने. डिक्लेयर करने के लिए ओके. या नेक्स्ट, अभी एक नोट लिखो. नोट की इंप्लीकेशन की is negation p or q. p implication q is negation p or q. जल्दी जल्दी मेरे को लॉजिक खत्म करने का. I don't find any logic in teaching this chapter. I want to start with differentiation, calculus चालू करना है. p implication q, negation p or q, negation p or q. Yes. अभी एक काम करना, राइट दिस 5 times. अभी के अभी लिख दो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए बोल रहा हूँ. राइट दिस 5 times. अभी देखने के लिए मैं तो आने वाला नहीं हूँ, लेकिन लिखो. It is for your own benefit. Important है, इसके लिए बोल रहा हूँ. Okay. चलो, let us go to miscellaneous exercise. Miscellaneous exercise. Okay. 4. Question number 9. Oh, sorry, question number 8. क्वेश्चन नंबर 4 का सब क्वेश्चन 8. ओके, हैव यू लोकेटेड दैट प्रॉब्लम? मिला आपको? ये सब इजी जो है ना, वो फटाफट खत्म कर रहा हूँ. इसमें इतना कुछ लॉजिक नहीं है, ज्यादा सेंस नहीं है, खत्म कर देते उसको. फॉर्मूला बेस्ड है. फॉर एग्जाम्पल जो प्रीवियस था कॉनवर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव, वो भी फॉर्मूला बेस्ड था. या क्वेश्चन नंबर 8, सब क्वेश्चन 1. क्वेश्चन नंबर 8 तुम लोग ने पढ़ा, रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विदाउट यूजिंग कंडीशनल. रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विदाउट यूजिंग कंडीशनल.
ओके okay. अभी की इसका मतलब क्या है मधुमेह, इम्प्लीकेशन को हटाना है, इम्प्लीकेशन को हटाना है. डू यू फील दे विल गिव द हिंट इन द एग्जाम, वो हिंट तुम लोग को एग्जाम में देंगे, तुम लोग को लग रहा है? दे विल नेवर गिव. ओके दे विल नेवर गिव, पॉइंट इज ओवर ओवर हियर, हिंट आपको नहीं मिलेगा. ओके अभी सबसे पहले ऐसा प्रॉब्लम्स में अफर्मेटिव कॉन्टेक्स्ट को मारो गोली, सोचो ही मत उसके बारे में. दिस इज नॉट सिम्बॉलिक फॉर्म, लेकिन हम लोग सिम्बॉलिक फॉर्म का यूज करके ले लेंगे, ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाएंगे, अफर्मेटिव के कॉम्प्लिकेशंस में हम लोग नहीं जाएंगे. अगर प्रॉब्लम सिर्फ सिम्बॉलिक फॉर्म का है तो अफर्मेटिव कॉन्टेक्स्ट में लिखना है. समझ रहे क्या? आई एम ट्राइंग टू टेल यू दिस अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन सो दैट यू पीपल कम टू नो, बट देन आई एम नॉट गेटिंग दोज क्वालिटी रिस्पॉन्सेस. समझ में नहीं आ रहा है, आ रहा है किसको, कुछ कोई बोल ही नहीं रहा है. सिलेक्टेड स्टूडेंट्स ही बोल रहे. ओके तो फर्स्ट प्रॉब्लम, लेट पी बी प्राइस इंक्रीजेस, क्यू क्यू क्या लिखूंगा, डिमांड फॉल्स. ओके गिवन पी इम्प्लीकेशन क्यू, बराबर है? इफ पी देन क्यू है ना, पी इम्प्लीकेशन क्यू. ओके लेकिन अपने को इम्प्लीकेशन हटाना है, वी हैव टू रिमूव दिस इम्प्लीकेशन. क्या करेंगे हम लोग, इम्प्लीकेशन को निकालना है, वॉट विल वी डू? Replace it with formula. अभी पांच बार आपने लिखा है ना, आपको वो लिख लेते हैं. Equal to given is this. Okay. Next line पे लिखेंगे. Now p implication q equal to negation p or q. Negation p or q. अभी बताओ verbal form. Verbal form. Price does not increase, negation p, इसका negation, price does not increase, or q, q तो same रहेगा, demand fall, or demand falls, तुम लोग price decreases भी बोल सकते हो, price decreases भी बोल सकते हो, right ना, negation p के लिए, okay, decreases और डिमांड फॉल्स. इंक्रीज का अपोजिट डिक्रीज, लेकिन मैंने डिक्रीज विक्रीज बोला नहीं है, सीधा बोला है डज नॉट इंक्रीज. डज इट मीन द सेम? ओके या सेकंड वन, अगर ये लिख के खत्म हो गया तो सेकंड वाले पे जाता हूँ. आई विल गो टू द नेक्स्ट वन. Yes, that is also right. Price falls भी बराबर है. Increase का opposite decrease लिखो ना, falls bills में मुझे. Falls भी right है लेकिन. Yeah, next one, question number two. Let P be demand falls. Q. ये problem symbolic form का नहीं है. तो मुझे एक बात बोलो, ये affirmative context में लिखने का जरूरत है कि नहीं? Should I write in affirmative context or not? Yes या no, इतना बोल दो. No. मैंने एकदम हिंदी में, इंग्लिश में एकदम क्लियरली आपको बार बार बोलते गया. Do you agree with me? Simple words use कर रहा हूँ. तो मैं लिखूंगा, price does not increase.
अफर्मेटिव वो सब जाने दो, वो सिर्फ सिंबॉलिक फॉर्म का क्वेश्चन रहेगा वहां पे, वो सब दिमाग लगाने का यहाँ पे नहीं, राइट ना? राइट है कि रॉन्ग है? ओके गिवन, तो बताएगा गिवन क्या है? दिया है एंड दिस इज द प्रेजेंटेशन, दिस इज हाउ यू हैव टू प्रेजेंट दिस क्वेश्चन, बराबर है इम्प्लीकेशन के? ओके नाउ इम्प्लीकेशन क्यू, नेगेशन पी और क्यू, विल दिस बी गिवन टू यू, ये दिया रहेगा हिंट में? हिंट विंट कुछ नहीं मिलता है ना, हिंट विंट कुछ नहीं। अभी बोलो इसका वर्बल फॉर्म बोलो, टेल मी व्हाट इज द वर्बल फॉर्म ओवर हियर, व्हाट इज द वर्बल फॉर्म ओवर हियर? डिमांड डज नॉट फॉल और प्राइस डज नॉट इंक्रीज, ओके एकदम। हेलो हेलो, इज माय वॉइस लैगिंग? नो आकाश, मेरा मेरा आवाज ठीक आ रहा है बाकी लोग को? वन सेकेंड आई विल टेल, डोंट वरी। डिमांड डज नॉट फॉल, बराबर है? डिमांड डज नॉट फॉल, एकदम ले मैन के इंग्लिश में लिखते हमने, और प्राइस डज नॉट इंक्रीज, ओके अपना इंग्लिश का ग्रामर का स्किल्स यहाँ पे अपने को नहीं दिखाना है, दिखाया तो भी चलता है ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? ओके सामने वाले को समझेगा वैसा लैंग्वेज यूज करेंगे तो अच्छा रहेगा। अरे ये अमय, मुझे तेरा क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, तू क्या पूछ रहा है? सबसे पहला यू हैव आस्क्ड अबाउट द मीनिंग, मीनिंग विनिंग कुछ देखने का नहीं, ये मीनिंगलेस है। लॉजिक चैप्टर अकॉर्डिंग टू मी, कॉलेज का टीचर को मत बताओ नहीं तो माइनस फाइव दे देंगे पेपर में, ऐसा कुछ बोलो मत, ये तो मैं आपको ऐसे ही बोल रहा हूँ। राइट है रॉन्ग है सही है गलत है मीनिंग क्या है ये सब आंसर्स मेरे से एक्सपेक्ट मत करो इसमें। अच्छा इसको अभी दूसरा तरीके से लिखने का, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, डिमांड राइजेस या फिर डिमांड इंक्रीजेस और प्राइस डज नॉट इंक्रीज, चलेगा ना? वैसे लिखोगे तो भी चलेगा लेकिन सोचो मत उसके बारे में, सही है गलत है कुछ सोचो मत, रूल के हिसाब से चल रहे बस हो गया। पार्टिसिपेंट्स कम हो जाने दो, अच्छा है जितना ज्यादा क्वालिटी स्टूडेंट्स एंड तक रहते हैं उतना ज्यादा मेरे को मजा आता है, उल्टा आई एम हैप्पी, आई एम ऑलवेज हैप्पी इफ द पार्टिसिपेंट्स गेट रिड्यूस, आई कम टू नो हु आर द क्वालिटी स्टूडेंट्स। ओके इंक्रीज वर्ड इज रॉन्ग, क्यों बेटा इंक्रीज वर्ड ने क्या गलती की है? डिमांड फॉल्स के ऑपोजिट डिमांड इंक्रीजेस लिख सकते हैं, ओके तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ हाई फाई वर्ड्स नहीं यूज करने का, सीधा लिखने का डिमांड डज नॉट फॉल, इकोनॉमिक्स में बोला है नहीं बोला है आई रियली डोंट नो, आई एम नॉट एन इकोनॉमिक्स टीचर, ओके ना ही मैं इंग्लिश टीचर हूँ, मेरा इंग्लिश कुछ इतना बहुत सुपर्ब भी नहीं है, तो ले मैन को समझेगा ऐसा मैं वर्ड्स यूज करता हूँ। ओके वो सब आप मेरे को मत बोलो अभी प्लीज, गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
ओके 17th क्वेश्चन दिख रहा है, 17th क्वेश्चन मिसलिनियस एक्सरसाइज 4 का 17th क्वेश्चन, 17th क्वेश्चन दिख रहा है आप लोग को? इज इट द सेम कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम, इज इट द सेम कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम? ओके राइट, सो दैट इज फॉर सेल्फ स्टडी, दैट इज फॉर सेल्फ स्टडी. 15th प्रॉब्लम इज ऑल्सो फॉर सेल्फ स्टडी, तुम लोग को पता चल गया रहेगा क्यों. 15th एंड 17th आर बोथ फॉर सेल्फ स्टडी. अरे 17 में इफ देन को निकालने का है, कंडीशनल को निकालने का है. 17th प्रॉब्लम जस्ट अभी हम लोग ने किया ना, इफ देन रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 17 की बात हो रही है यहाँ पे. ये तो कॉनवर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव है. 17th में क्या है, इम्प्लीकेशन को निकालना है, इफ देन को निकालना है, तो ये नहीं आएगा 17th पे. डोंट यू फील दिस विल कम? ओके सो ठीक है, दैट्स इट. आई थिंक यू शुड नाउ एग्जिट द मीटिंग, द लेक्चर इज ओवर. बाय, गुड नाइट. यस निखिल एंड एमिमा, यू प्लीज वेट. Mima, tell me what happened after the query.